हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जी एस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे NIS डीलर कौशिक दास के केस में सुनवाई से पहले बदलाव देखने को मिला है। क्या बदलाव है इसके बारे में बात करेंगे और कहीं ना कहीं 23 तारीख को इसकी सुनवाई होनी है, साथ साथ ट्रांसफ़र पिटीशन की भी सुनवाई होनी है। लेकिन इसके पहले आप देखेंगे तो इसमें लगातार केस में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। कारण क्या है इसको लेके बात करेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं कि क्या बदलाव हुआ है और इसमें सुनवाई है। विद्यार्थी परेशान हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं क्योंकि भर्तियां आ रहे हैं। हम देखेंगे डायरी नंबर, आप देख सकते हैं 35001/2024 कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। एक केस आप देखेंगे तो ट्रांसफ़र पिटीशन के साथ टैग हुआ है। ये पहले चैम्बर में सुना गया, 6/9/2024 को सुना जाता है, सितंबर में। आप देखेंगे 23 सितंबर को इसकी सुनवाई है। लेकिन इसमें देखेंगे ट्रांसफ़र पिटीशन के साथ बहुत सारी IA फाइल हो रही है। लगातार 3 IA फाइल हुई थी, लेकिन आज कल की डेट में एक नई IA फाइल होती है, जिसके आप हमने देखा तो जो उसमें आप साइट पर जाएंगे, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के साइट पर आप जाके इसको चेक भी कर सकते हैं। तो IA नंबर के आधार पर भी आप चेक कर सकते हो, केस का स्टेटस भी देख सकते हो, सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी इस बात से कन्फ्यूज है। अभी कल कई मैसेज किया कि सर IA फाइल करने से क्या फ़ायदा है। देखिए, फ़ायदा ये है कि कुछ चीज़ें जैसे कि हमने नहीं रख पाए या कुछ केस को और मजबूती प्रदान करने के लिए IA फाइल की जा रही है कि भाई इस स्टेट में भी, इस मैटर में भी ये सारी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को लिए IA फाइल की जा रही हैं। चाहे आप ट्रांसफर पिटीशन में देख लीजिए, कई अन्य IA फाइल हुई थी। अब आप देख सकते हैं IA फाइल होती 18/9/2024 को, दो IA फाइल होती हैं। गौरव, देखिए इसके जो एडवोकेट हैं गौरव सिंह जी हैं और गौरव सिंह जी, दो IA फाइल हुई। तो इस IA से फ़ायदा क्या होगा? तो IA फाइल कर आप देख सकते हैं गौरव सिंह, 1/18/4:19 पर, 1/4:22 पर, ये दोनों आपने अलग अलग नाम से फाइल, एक ही नाम से है लेकिन अलग अलग नंबर पे फाइल होती है। तो IA फाइल होने से इतना है कि केस में कई सारे और चीज़ें अपडेट हो रही हैं, कई और केस टैग हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो इसके कहने का मतलब है कि जिसमें भाई जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसमें सुनने के लिए बाध्य होगा कि भाई इसमें इतने सारे केसेस लगातार जुड़ रहे हैं। लेकिन सुनने की बात ये नहीं है, बात है कि अगर इस पक्ष को ढंग से रखा जाए, क्योंकि इसमें देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें जो लीडर्स हैं इनके बीच में ही तालमेल नहीं है, क्योंकि सभी को यूनिटी की ज़रूरत है। तो उसका फ़ायदा सरकार भी उठा रही है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी, क्योंकि कहीं ना कहीं अन्य केस जाते हैं उसमें जब पूछा जाता है उसका फ़ायदा वकील को भी मिल रहा है, सभी को मिल रहा है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है विद्यार्थियों का। तो अभी तक यही है कि भाई नई कई IA फाइल हो चुकी है, अपडेट दी थी। वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पदक के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार, सभी दिन सुबह। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।